जबकि ये परस्पर एक दूसरे की सहयोग की भावना से होता है, जो कि मेरे यहाँ परस्पर लगभग सभी लोगों को मिल जाते हैं, एक आध लोगों को छोड़। सरकारी विद्यालय जहाँ बदहाली के लिए जाने जाते हैं, वहीं सरकार के द्वारा कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर स्मार्ट क्लास से लेकर के चहक द्वारा कई तरह की जो है ट्रेनिंग के बाद जो शिक्षिका हैं, जो शिक्षक हैं, वो बच्चों को जो है एडवांस तरीके से शिक्षा देने का काम करते हैं। अभी हम जो है आप देख सकते हैं कि ये बेलाव में है, बेलाव पंचायत का ये माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय जो कि अपग्रेड भी हुआ है, अपग्रेड होने के बाद स्मार्ट क्लासेस भी यहाँ शुरू हुआ है। जहाँ सरकारी विद्यालय को बदहाली के लिए जाना जाता है, वहीं बक्सर का ये विद्यालय ऐसा है कि जहाँ पर जो है स्मार्ट क्लास के साथ ही साथ बच्चों को जो है हर सुविधा दी जा रही है, जिसको देखने के बाद यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा है, शिक्षा में जो पहल हो रही है, उसका असर भी अब ज़िले में दिख रहा है। हालांकि जब हमने यहां के जो प्रधानाध्यापक हैं, HM हैं, उनसे बात किया, सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को ध्यानपूर्वक निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाता है और सारी व्यवस्थाएं जितनी भी है, कोई इसमें सरकार की जो भी दी गई है सारी योजनाओं को हमने लागू किया है, सभी विद्यार्थियों को मैंने अचूक रूप से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसमें अच्छा, कोई कोताही नहीं होती है। अच्छा, स्मार्ट क्लास से कितना लाभ है बच्चों को? जी, स्मार्ट क्लास जो मेरे बगल में अभी चल रहा है आप देख लेंगे, इसमें बच्चे जो है कि क्लियर फाइल जो हम लोग बोर्ड पर नहीं कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चे, और चूंकि उनको TV और मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं और उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। अच्छा, चहक के माध्यम से भी आपके यहाँ एक्सप्रेशन से भी किया है, छोटे बच्चों को कितना लाभ? जो मिडिल सेक्शन है, मिडिल सेक्शन में 1 से 8 तक की कक्षाएँ चलती हैं और इन कक्षाओं में चहक जो प्रशिक्षण की जो शिक्षिका प्राप्त हुई है उनको, तो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है और अक्षरशः बच्चे भी उनका पालन करते हैं और बच्चे जल्दी उससे सीख रहे हैं, जो कुछ दिन पहले सीख रहे थे उससे सीखने की गतिविधि में और आज जो सीख रहे हैं बच्चे उनमें बहुत अंतर आया है और बहुत बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में जहां बदहाली के लिए जाना जाता है, वहां आपके यहां सारी स्मार्टनेस देख रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, इसके बारे में तो हमको लगता है जैसे कि मैं झेलता हूँ, कुछ कमियाँ हमारे अंदर होती हैं और कुछ कमियाँ समाज के अंदर भी होती हैं, वहाँ के जो वार्ड सदस्य होते हैं या मुखिया होते हैं या वहाँ के जो शिक्षक होते हैं उनमें कमी होती है, जबकि ये परस्पर एक दूसरे की सहयोग की भावना से होता है, जो कि मेरे यहाँ परस्पर लगभग सभी लोगों को मिल जाते हैं, एक आध लोगों को छोड़। अच्छा सर, आचार्य दिवारी नहीं है आपके यहाँ स्कूल में, उसको लेकर कितनी परेशानी? दिवारी पहले थी, बहुत पुरानी, शुरू में लगभग 2000 के लगभग या 2003 के लगभग में बना था, तो वो चार दिवारी समाप्त है। अभी जो है हमारे विद्यालय की सीमांकन करने की आवश्यकता है, सभी लोग बोलते हैं, गांव के लोग भी बोलते हैं कि चहारदीवारी जो है बहुत अंदर दिला गया है, जबकि पूर्व साइड में भी 10-15 फीट है, पश्चिम साइड में भी 10-15 फीट है, तो इसके सीमांकन के लिए हम लोग अंचलाधिकारी के पास लिखे थे लेकिन शायद वहाँ से कोई आवेदन गायब हो गया है, उनके आने के बाद मैंने चहारदीवारी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके बाद ही चहारदीवारी हो जाए। तो उन्होंने बताया कि जो स्मार्ट क्लास है और जो चहक है उससे जो जो उसका प्रशिक्षण हुआ है उसके बाद जो है बच्चों को काफ़ी लाभ मिला है, लेकिन इतना बड़ा विद्यालय, इतनी जो है बच्चों की संख्या होने के बावजूद इस विद्यालय में जो है चार दीवारी नहीं है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानियों का, जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस साइड में जो है बच्चे हैं जो खुले में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे साइड में जो है ये आपको जो स्मार्ट क्लास जो अपग्रेड हुआ है हाई स्कूल, उसके बाद यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लास लगा है। तो इस तरीके की जो तमाम खबरें हैं वो हम आपको लेकर के आते हैं।